सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का पहला डेफिशिएंसी, दैट इज एडिनोसिन डिएमिनेस डेफिशिएंसी। सो एकदम फुल एनर्जी के साथ शुरू हो जाइए। सो चलिए, सो एडिनोसिन डिएमिनेस डेफिशिएंसी। सो मैं आशा रखूँगा कि पहले वाली वीडियो आपने देख लिया, दैट वॉज डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का मेनली प्यूरिन के केस में हम मैंने प्यूरिन ही तो बोला। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ दिस प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन में केस में एडिनोसिन डिएमिनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि एडिनोसिन डिएमिनेस अगर डिफिशियंट रहा तो क्या प्रॉब्लम होगा। इसके पहले आप मुझे बताइए कि आपको याद है कि एडिनोसिन डिएमिनेस हमारा डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में क्या कर रहा था? सो एडिनोसिन डिएमिनेस एडिनोसिन से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में क्या छीन रहा था? अमोनिया छीन रहा था। ओके, सो एडिनोसिन एज ए रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो रहा था? इनोसिनेट, याद है ना? सो अगर दिस एंजाइम प्रेजेंट ना हुआ तो क्या होगा? इनोसिनेट नहीं बनेगा, क्लियर। और एडिनोसिन का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा। ओके, एंड अगर आपने साल्वेज पाथवे को समझा है, जिसको मैंने बोला था कि कुछ टूटा फूटा न्यूक्लियोटाइड अगर पड़ा है तो साल्वेज पाथवे उसको फिर से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एडिनोसिन का मात्रा जो है वो अगर बढ़ गया तो साल्वेज पाथवे उसको यूज़ करके फिर से एटीपी पे कन्वर्ट कर सकता है ना। सो दिस थिंग अल्टीमेटली फैसिलिटेड सीवीआर कॉम्बाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी। ओके, जब मैं इम्यूनोलॉजी का डिटेल लेक्चर सीरीज अपलोड करूँगा तो वहाँ पर एक स्किड का भी वीडियो रहेगा, और मैं आशा रखूँगा कि आपने सुना भी होगा स्किड माउस का नाम, राइट? सो एक चीज़ तब तक के लिए याद रखिए कि इन स्किड टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट ठीक तरह से डेवलप नहीं होता। ओके, तो आज हम लोग समझने वाले हैं क्यों नहीं होता। ओके, सो मैंने आपको बताया कि एडिनोसिन डिएमिनेस अगर डेफिशिएंट रहा और अगर प्रेजेंट ही नहीं रहा तो एडिनोसिन का जो मात्रा है वो बढ़ जाएगा। ओके, एंड एडिनोसिन को एडिनोसिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज APRT जो हमारा सेल्वेज पाथवे का एंजाइम था वो PRPP से राइबोस ग्रुप छीन के एंड फॉस्फेट ग्रुप को छीन के एडिनोसिन को दे सकता है। ओके, एंड एडिनाइलेट तैयार कर सकता है। ओके, और वहाँ से वाया राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज DATP का कन्वर्शन कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? हमने देखा भी था, राइट? सो इन शॉर्ट टर्म कि एडिनोसिन डिएमिनेस का डिफिशियंसी DATP का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, राइट? ये बात है। सो अब तो बोलोगे कि भाई ये तो अच्छा बात है कि DATP का परिमाण बढ़ा रहा है, कि हम लोग जानते हैं कि ATP तो हमारे एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये तो खुशखबरी है, तो तुम काहे को चिल्ला रहे हो? सो मैं भाई इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि DATP एक्ट करता है एज ए स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ राइबोन्यूक्लियो